वहीं लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से सीए के प्रदर्शन में शामिल हिंसा करने वालों की होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने भी ट्वीट किया। मृत्युंजय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये देखिए कुछ इन शब्दों के साथ मृत्युंजय कुमार ने ये ट्वीट किया है, ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राजधानी के प्रमुख चौराहों पर 100 होर्डिंग्स लगाई गई है जिनमें 57 लोगों को चिन्हित किया गया है, उनकी तस्वीर छापी गई है, उनके नाम उनके पते को वहां पर बताया गया है और इन लोगों से रिकवरी की बात कही जा रही है। और इसी पर देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की यह खास रिपोर्ट। 19 दिसंबर 2019 को CAA और NRC को लेकर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन उसके बाद हिंसा हुई थी। हिंसा में सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब जिला प्रशासन ने बड़ी बड़ी होल्डिंग्स को चौराहे पर लगाया है। आप देख सकते हैं कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर ये बड़ी सी होल्डिंग लगाई गई है। 10 लोगों की फोटो इसमें लगाई गई है। 67,73,900 रुपये के रिकवरी के आदेश को लेकर ये होल्डिंग यहाँ पर लगाई गई है। अगर इस होल्डिंग की हम बात करें तो इस होल्डिंग में दो बड़े नाम हैं जिसमें कल्बे सिप्तेन नूरी जो कि मौलाना कल्बे सादिक के पुत्र हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उसके अलावा 9 नंबर पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है मोहम्मद सैफ अब्बास हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इन लोगों के आह्वान पर ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, उसमें से तमाम लोगों ने हिंसा फैलाई थी, गाड़ियों को आग लगाया था। उसके बाद वहाँ का माहौल जो था अफरा तफरी भरा हो गया था, तमाम लोगों को चोटें भी आई थी। उसके बाद अगर हम दूसरी होल्डिंग की बात करें तो कैसरबाग थाना क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था, चाहे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो या पब्लिक की संपत्ति का नुकसान हो, उसकी रिकवरी के भी आदेश हुए हैं। 1,75,000 रुपये की रिकवरी के आदेश हैं। ये कैसरबाग थाना क्षेत्र के वो नाम हैं जो हिंसा में शामिल थे या इनके बुलाने पर हजारों की भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुई, जिसके बाद वहाँ का माहौल ख़राब हुआ था। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है, बड़े बड़े चौराहों पर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। ये तमाम होल्डिंग्स ये बयां कर रहे हैं कि अगर सरकारी आदेश का ये लोग पालन नहीं करते हैं तो सीधी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। अगर ये लोग जो सरकारी नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी के आदेश की दिनांक के अंदर ये पैसा जमा नहीं करते हैं तो इनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। ये तीसरी बड़ी होल्डिंग है हसनगंज थाना क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी CAA और NRC के प्रदर्शन के दौरान। इसमें आप देख सकते हैं कि 13 लोगों की फ़ोटो को यहाँ पर लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो पूरी हिंसा में शामिल थे, जिसके बाद वहाँ पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था, लोगों को चोटें आई थी, पुलिसकर्मी घायल हुए थे, मीडियाकर्मी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर 21,76,000 रुपये के रिकवरी के आदेश इन 13 लोगों से जिला प्रशासन और लखनऊ पुलिस ने किए हैं। इनको भी एक निर्धारित दिनांक दिया गया है कि इस दिनांक के अंदर जो रिकवरी का पैसा है वो सरकार के खाते में या जिला प्रशासन के खाते में ये जमा कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। हम दूसरी ओर चलते हैं, अम्बेडकर प्रतिमा के बगल में चलते हैं, वहाँ पर भी एक बड़ी होल्डिंग लगाई गई है, उसमें सबसे ज़्यादा नाम दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन लगातार कह रहा था कि वो नोटिस भेज रहा है, लेकिन अब जब नोटिस भेजने के बावजूद भी लोगों ने कोई आगे की कार्रवाई नहीं किया, जिला प्रशासन की बात नहीं सुनी, इसके बाद लखनऊ के तमाम चौराहों पर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई गई हैं। करीब 100 की संख्या में ये होल्डिंग्स लगाई गई हैं। फिलहाल हम लोग हजरतगंज थाना क्षेत्र में हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हजरतगंज थाना क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी, चाहे परिवर्तन चौक की हम बात करें या फिर KD सिंह बाबू स्टेडियम के पास की बात करें, वहाँ पर जो हिंसा के दौरान गाड़ियों में आग लगाई गई थी, तमाम TV चैनलों की वाहनों को आग लगा दिया गया था, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया गया था, ये बड़ी होल्डिंग है। इसमें 28 लोगों को दर्शाया गया, 28 लोगों की फ़ोटो लगाई गई है, जिसमें 64,37,637 रुपये की रिकवरी के आदेश हैं। अगर इस होल्डिंग की हम बात करें तो इस होल्डिंग में तीन बड़े नाम हैं, दीपक मिश्रा, श्रवण राम दारापुरी व सदब जाफर। इन तीन बड़े नामों के साथ यहाँ पर ये होल्डिंग लगाई गई है। इन तीन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इनके कहने पर हजारों की भीड़ हजरतगंज थाना क्षेत्र में एकत्रित हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर बवाल किया, पथराव किया, आगजनी की, लोगों को निशाना बनाया, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया, मीडियाकर्मियों को निशाना बनाया, जिसके बाद लखनऊ कहीं ना कहीं हिंसा के आग में जल रहा था। अब जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, इन लोगों से रिकवरी के आदेश दिए हैं। अगर निश्चित समय सीमा के अंदर ये लोग पैसा नहीं जमा करते हैं तो इनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।